वेलकम। टुडेज टॉपिक इज लेसन ऑन गिविंग एडवाइस विच इज रिटन बाय ऑथर जोसेफ एडिसन। सो लेसन पढ़न तो पहला थोड़ा जा कंटेंट के बारे गल कर लिए कि लेसन किस चीज़ के बारे है, की क्रक्स है लेसन का। सो लेसन का जो क्रक्स है ज कंटेंट है, इट इज़ अबाउट what is the art of giving advice, what are the simple ways to give advice, so sanu kidda kise nu salah deni chahidi hai, kehda asaan tarika hai, eh cheezan is lesson de vich padhan nu milngiyan। moreover is lesson de vich eh dassya gaya hai that you should have power to give your advice in a clever way, कि तुहाडा जिहड़ा आर्ट है वो इस तरह का होना चाहिए है। मीनस तुसी किसी क्लेवर वे दे नाल अपनी सलाह भी दे दो एंड दैट हैव सम मोरल लैसन टू, उहदे विच कोई ना कोई सिक्ख्या जरूर होवे। नाल दी नाल जो एक गल होर कही गई है वो ये है कि जदों तुसी किसी नूं सलाह दे रहे हुंदे हो, जिहड़ा परसन तुहाडे सामने है, that should not feel inferior, वो बंदा जड़ा है वो अपने आप नूं छोटा ना महसूस करे, बेइज्जत होया महसूस ना करे। this one you should keep in your mind। so ये main main गल्लां सीगियां जड़ियां lesson दे विच आउणगियां। हुण lesson शुरू करदे हां। कहिंदे there is nothing which we receive with so much reluctance as advice। रिलकटेंस मीनस हैजीटेशन। कोई भी अजि चीज़ नहीं जिन्हों से लैन के समय हैजीटेट फील करिए रादर दैन एडवाइस, कि असी जो सलाह लें किसी तो सू हिचकचाहट महसूस होंगी है, असी राजी नहीं होंगे किसी तो सलाह लैन के लिए, वी डू नॉट अग्री टू कंसल्ट। रीज़न की है, नी वी लुक अपॉन द मैन हु गिव्स इट टू अस as offering an affront to our understanding। affront means insult। kide moreover jada person sanu salah de reya hunda hai sanu ki lagda hai ki oh ki kar reya hai, he is offering an affront to our intellect, oh sade dimag di sade understanding di bezzati kar reya hai, his act is an insult to our intellect। एंड ट्रीटिंग अस लाइक चिल्ड्रन और ईडियट्स, और सानू बच्चों की तरह ईडियट्स की तरह समझ रहा है, ही इज बिफूलिंग अस कि ना समझ ने। वी कंसीडर द इंस्ट्रक्शन एज एन इम्प्लिसिट सेंसियोर। सेंसियोर मीनस स्ट्रोंग क्रिटिसिजम। इम्प्लिसिट इतने मीनिंग लवागी मैं कनैक्ट विद, कहिंदा उस टाइम जिहड़ी उहदी इंस्ट्रक्शन है उहनूं आपां किस चीज़ दे नाल कनैक्ट कर दिंदे आ, विद स्ट्रोंग क्रिटिसिजम एंड द ज़ील विच एनी वन शोज फॉर आर गुड ऑन सच एन ओकेजन एज अ पीस ऑफ एरोगेंस और इम्पर्टिनेंस। ज़ील मीन्स इंथूजियाजम, उत्साह। कोई भी बंदा जिहड़ा साडी गुडनैस दे लई उस टाइम उत्साह दिखा रहा हुंदा है, सानू सलाह दे रहा हुंदा है, वह सानू की लगती है, जस्ट अ पीस ऑफ एरोगेंस और इनपर्टिनेंस। सानू यूं लग रहा हुंदा है कि वह अपने आप नूं ज़्यादा अकलमंद शो कर रहा है, उहदी रूडनेस साडे सामने आ रही है, उहदा हंकार सामने आ रहा है साडे, इस तरह समझते हैं असी। द ट्रुथ ऑफ इट इज द परसन हू प्रटेंड्स टू एडवाइज डज इन दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज अ स्पिरिट ओवर अस, कि जिहड़ा परसन सच्चाई यह है, जिहड़ा परसन सलाह देन की कोशिश कर रहा है जां दिखावा करता है, वह उस टाइम की एक्सरसाइज कर रहा है, जस्ट की शो कर रहा है सुपीरियरिटी, दैट कि ही इज सुपीरियर टू अस और एंड वी आर इनफीरियर, कि वह बहुत सियाणा है तो असी सियाने नहीं हाँ। He can have no other reason for it but that in comparing us with himself, he thinks us defective either in our conduct or our
अंडरस्टैंडिंग। कहिंदा उस बंदे दे कोले ये तो बिना होर कोई कारण नहीं हो सकता कि वो साड़ी अपने नाल तुलना करता है इस कारण दे करके कि वो की समझता है वी आर वीक इन आर बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग। साडे विच कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है, कोई ना कोई साडे विच डिफेक्ट है, इस करके वो साडा कंपेयर कर रहा है, अपने आप नूं हाईली इंटेलैक्चुअल समझ रहा है। फॉर दीज रीजनस देर इज नथिंग सो डिफिकल्ट एज द आर्ट ऑफ मेकिंग एडवाइस अग्रीएबल। कहिंदे इन्हां कारणां करके जो आपां पिछे पढ़े हैगे आ, कोई भी चीज़ इन्नी मुश्किल नहीं है जिन्नी कि अपनी सलाह नूं मनवाउणा। दैट पीपल एक्सैप्ट द एडवाइस, लोकां नूं अग्री कर पाउणा। And indeed, all the writers, both ancient and modern, have distinguished themselves among one another according to the perfection at which they have arrived in this art. Aise karke kehnde jehde writers ne, writers of the past and present, use various ways to supplement it. उन्होंने अलग अलग ढंग वरते, अलग अलग तरीके वरते इनू पूरक बनाने दे लई, परफेक्ट बनाने दे लई। हाउ मैनी डिवाइसिज हैव बीन मेड यूज ऑफ, किन्निया ही तकनीकां, किन्ने ही ढंग वरते जा चुके हैं टू रेंडर दिस बिटर पोशन पैलेटेबल। बिटर मीनस कड़त्तन भरिया होया, पैलेटेबल मीनस स्वादी बनाना। सो बिटर की है जदों कोई सलाह लै रहे होंगे, कहते इस करके बड़े सारे तरीके वरते जा चुके हैं टू मेक दिस बिटरनेस पैलेटेबल। सम कन्वे देयर इंस्ट्रक्शंस टू अस इन द बेस्ट चूजन वर्ड्स, अदर्स इन द मोस्ट हार्मोनियस नंबर्स, सम इन द पॉइंट्स ऑफ विट एंड अदर्स इन शॉर्ट प्रोवर्ब्स। हुण अलग अलग तरीके है लोगों के कोल किसी को सलाह देने दे, कहिंदे कुछ परसन जिहड़े ने वह किदां कन्वे करते अपनी इंस्ट्रक्शन इन द बेस्ट चूजन वर्ड्स। वह सलाह देने तो पहला शब्दों की चोन जिहड़ी बड़े चंगे शब्दों की चोन करते। सैकेंड इन द मोस्ट हारमोनीयस नंबरस पोइटिक लैंग्वेज यूज करते हैं। सम इन द पॉइंट्स ऑफ विट, विट मीनस योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो क्लेवर भी होंगे तो नाल दी नाल अम्यूजिंग भी बना देंगे सिचुएशन, मौके के अनुसार जड़ी गल करते हैं। एंड अदरस इन शॉर्ट प्रोवर्ब्स, तो कुछ लोग मुहावरिया के नाल समझा देंगे। मीनस हरेक दे कोले अलग अलग ढंग है, तरीका है किसी को सलाह देने का। बट अमंग ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग काउंसल, आई थिंक द फाइनेस्ट एंड दैट which pleases the most universally is fable. But according to Joseph Edison, writer de according jehda sab to finest method hai, tarika hai, oh ki hai, is fable. Hun fable ki hundi hai, jinna nu apa kalpanik ja mankadt kahaniyan punjabi de vich keh liye, or you can say a short story conveying a moral lesson, ohnu apa fable bolde hai. इन वट सो एवर शेप इट अपीयर्स, सब तो वधिया तरीका की है किसी को समझाउण दा कहानी, फेबल मनघड़त कहानी। इफ वी कंसीडर दिस वे ऑफ इंस्ट्रक्टिंग और गिविंग एडवाइस, इट एक्सेल्स ऑल अदर्स। कहते दिस इज बैटर दैन ऑल द अदर मैथड्स, बाकी सारिया के नालों की है बैटर है। बिकॉज इट इज़ द लीस्ट शॉकिंग and the least subject to those exceptions which I have before mentioned. Kehde kyun, kyunki ek ta hai ghat to ghat shocking hundi hai, matlab tusi shocked ghat hunde ho ki hai fulana banda mainu salah de reha hai. Subject here means humiliated, ede naal tusi you don't even feel humiliated, sharmindagi nahi mehsoos hundi jehdi apa pehla padh ke aaye ha, jehde उपर पैराग्राफ्स डिस्कस किए सी कि कोई बंदा इदा महसूस करता है कि सामने वाला मैं अपनी एरोगेंस शो कर रहा है, इंपर्टिनेंस शो कर रहा है, अपने आप को सुपीरियर शो कर रहा है, वह चीज़ा नहीं होंगे फेबल के नाल। दिस विल अपीयर टू अस
if we reflect in the first place that upon the reading of a fable, we are made to believe, we advise ourselves. ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫੇਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆਰ ਸੈਲਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰੂਸ ਦਾ ਆਥਰ ਫੋਰ ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਪਰੂਸ ਮੀਨਸ ਸੋਚਣਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸੈਪਟਸ ਪ੍ਰੀਸੈਪਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੇ ਐਂਡ ਸੋਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਵਾਂਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸੈਪਟਸ ਰਾਦਰ ਐਜ ਆਰ ਓਨ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੈਨ ਹਿਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਹਿਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦ ਮੋਰਲ ਇੰਸੀਨੂਏਟਸ ਇਟਸੈਲਫ ਇਮਪਰਸੈਪਟੀਬਲੀ ਇੰਸੀਨੂਏਟ ਕਰਨਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਰਸੈਪਟੀਬਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੇਸਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਫੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵੇਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਰ ਟਾਟ ਬਾਏ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਵਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਅਨਅਵੇਅਰਸ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ So we can say we get moral lesson without knowing it. ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫੇਬਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਲੈਸਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਰਲ ਲੈਸਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਈ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਆ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਸੋ ਫਾਰ ਓਵਰ ਰੀਚਡ ਐਸ ਟੂ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੀਨਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਾਇਲਸਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਡਿਕਟੇਟਸ ਆਫ ਅਨਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੈਂਸੀਬਲ ਆਫ ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਅਨਪਲੇਜ਼ਿੰਗ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਇਨ ਐਡਵਾਈਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਝੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਝੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਖਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਫੀਲਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਲੇਸ If we look into human nature, we shall find that the mind is never so much pleased as when she exerts herself in any action. ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਹਰ ਇਹ ਮੀਨਸ ਮਾਇੰਡ That gives her an idea of her own perfections and abilities. ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਫੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ This natural pride and ambition of the soul is very much gratified in the reading of a fable. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆ ਸਾਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਇਲ ਵੀ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਫੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ The reader comes in for
half of the performance. Everything appears to him like a discovery of his own. वो अपने आप नूं रिलेट कर रहा है, उन्होंने लगता है कि मैं अपनी अपने आप की डिस्कवरी कर रहा हूँ. ही इज़ बिजी ऑल द वाइल इन अपलाइंग करैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसिस. देखो अद्धा को आप ही परफॉर्म कर रहा है, मीन्स अद्धा को किमें परफॉर्म कर रहा है आप ही, कि ही कनैक्ट्स द करैक्टर टू ईच अदर. जो पढ़ रहा फेबल जोड़ी मनगढ़ स्टोरी पढ़ रहा है, वो करैक्टर्स कनैक्ट कर रहा है एक दूजे के नाल, एंड सर्कमस्टांसिस एंड रिलेट्स इवेंट्स टू इवेंट्स घटनावान. ठीक है, एंड इन दिस रिस्पैक्ट ही इज़ बोथ अ रीडर एंड अ कंपोजर. सो इस केस दे विच असी कह सकते हैं कि जिहड़ा रीडर है वह दो तरह की भूमिका निभा रहा है. ही इज़ बोथ अ रीडर एंड अ कंपोजर. पढ़ भी रहा है, राइट अप भी कर रहा है, कंपोज भी कर रहा है. कंपोज कदों कर रहा है, जदों कनैक्ट कर रहा है. ठीक है, सो यह सी अज का पार्ट जिदे विच आपां पढ़िया है. लोग सलाह लैन समय हिचकचाउंदे क्यों है, क्यों नहीं राजी होंदे सलाह लैन लई, ते उस संदर्भ दे विच सलाह देण दा सब तो वधिया तरीका किहड़ा है ते क्यों है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. द नैक्सट पार्ट विल बी इन द नैक्सट वीडियो. थैंक यू सो मच.